तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक कॉर्नर की प्रॉपर्टी। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स आती है, रिक्वेस्ट भी आती है कि यार निशा कोई अच्छी बहुत ही कम प्राइस में कोई अच्छा सा कॉर्नर विला आप हमारे लिए लेकर आइए ना, चाहे वो सिंप्लेक्स ही क्यों ना बना हो। तो आज का जो घर है वो कॉर्नर की प्रॉपर्टी है और कॉर्नर के साथ साथ 3 BHK आपको मिल जाती है। हालांकि दोस्तों सिंप्लेक्स विला बनाया गया है लेकिन बहुत ही अच्छे नक्शे के साथ आज के घर को डिज़ाइन किया गया है। घर के बारे में आगे जानकारी देने से पहले मैं देना चाहूँगी अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। जय श्री ओम बन्ना सा की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं आपके अपनी निशा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल SB होम्स में। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि कॉर्नर की प्रॉपर्टी का आज हम सब मिलकर टूर करने वाले हैं। आज की जो कॉर्नर की प्रॉपर्टी है उसके फ्रंट में आपको 30 फीट वाइड रोड मिल जाती है एंड साइड में मिल जाती है 40 फीट वाइड रोड। ये देखिए दोस्तों, कॉर्नर की प्रॉपर्टी का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अपने लिए ये होता है कि अपने को बहुत ही अच्छा पार्किंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, ईजिली अपनी छोटी गाड़ी पार्क कर पाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा वर्क करके दिया गया, लाइक ये टाइल वर्क रहने वाला है दोस्तों। एलिवेशन भी बहुत ही प्यारा दिया गया है, टेक्सचर वर्क के साथ आपको ये मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत कलर भी करके दिया गया है। बर मेरा देख लीजिए स्पेशियस है और इसी के साथ में एक और मज़े वाली बात अगर मैं बताऊं तो आज का जो घर है 100 गज के प्लॉट पर डिज़ाइन किया गया है। डोर देखिए, काफ़ी हैवी डोर आपको लगवा कर दिए गए हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड इस तरफ बात करेंगे तो लोबी एरिया आ जाएगा दोस्तों, इस तरफ से आपके फर्स्ट बेडरूम की एंट्री दी गई है। और दूसरा सवाल आपका रहता है कि आप इस घर के साथ क्या मैच डोर लगवा कर देंगे, तो लगवा कर देंगे क्या? आपको ऑलरेडी यहाँ पर मैच डोर मिल जाता है दोस्तों, डबल मैच डोर के साथ आपको ये प्यारा सा घर डिजाइन करके दिया गया है। स्टेयर्स की बात करेंगे, बाहर से स्टेयर्स आपको मिल जाती है। इन फ्यूचर अगर आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अपना थर्ड या फोर्थ बेडरूम बनाना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो बना सकते हैं। ये रहेगा आपका लिविंग एरिया, स्पेशियस है, इजीली यहाँ पर आपका सोफा लग जाएगा। एंड इस तरफ आ जाएगा LED पैनल, प्रॉपर वुडन वर्क के साथ ही आपको मिल रहा है दोस्तों। ये है आपका मॉड्यूलर किचन, बहुत ही अच्छी वाली बात है कि आपको यहाँ पर विंडो मिल रही है। आप यहाँ पर खाना बनाते बनाते बाहर की एक्टिविटी पे नज़र रख सकते हैं, जिससे आपका खाना भी बन जाएगा और आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। यहाँ पर वॉश बेसिन एरिया आ जाता है बहुत ही अच्छे टाइल वर्क के साथ। यहाँ पर देखिए कॉमन वॉशरूम आपको मिल जाता है, वो भी इंडियन सीट के साथ। एंड इसी के पास में दिया गया है आपका फर्स्ट बेडरूम। और कॉर्नर विला का सेकंड प्लस पॉइंट तो ये भी होता है कि यहाँ पर देखो विंडो आपको मिल रही है आपके फर्स्ट बेडरूम में, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। वार्डरोब देख लीजिए, इस तरफ आसमानी कलर रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इस तरफ आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है इस रूम के साथ। आ जाइए देखते हैं एक बार हम, ये देख लीजिए दोस्तों अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है। इसके साथ चलते हैं अभी हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिएगा। और एक और मजे वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो घर है 20 के फ्रंट के साथ 45 की डेप्थ के साथ डिजाइन किया गया है। प्राइस की बात करेंगे दोस्तों तो बहुत ही कम कीमत, यानी कि मात्र 46 लाख में आपको ये कॉर्नर का विला मिल जाता है। सेमी कॉर्नर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मात्र 44 लाख में, हाँ जी दोस्तों 44 लाख में आपको ये मिल जाता है। और इस तरफ रहेगा अपना थर्ड बेडरूम, ये देखिए ये आपके बच्चों का बेडरूम आ जाता है। और इसी के साथ अभी हम देख चुके हैं अपना ये प्यारा सा घर, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।